हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता इरफान खान ने पिछले साल 29 अप्रैल को दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनके जाने से फैंस ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा था। आज भी उनके चाहने वाले उन्हें भूल नहीं पाए हैं। ऐसा कोई मौका नहीं जब इरफान को उनके शानदार अभिनय के लिए याद न किया जाता हो। वहीं हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड्स में जब उनका जिक्र हुआ तो वहां मौजूद सभी स्टार्स की आंखें नम हो गई। इतना ही नहीं, इस दौरान इरफान खान के बेटे बाबिल तो फफक फफक कर रो पड़े। दरअसल हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड्स में इरफान को अंग्रेजी मीडियम के लिए बेस्ट एक्टर और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था। इसी अवार्ड को लेने बाबिल अवार्ड फंक्शन में गई थी, लेकिन जब शो में राजकुमार राव और आयुष्मान ने होस्टिंग के दौरान इरफान की तारीफ में कुछ बातें कही तो बाबिल खुद को रोक नहीं पाए और रो पड़े। बता दें, हाल ही में कलर्स चैनल ने सोशल मीडिया पर फिल्मफेयर अवार्ड्स का एक प्रोमो शेयर किया। इसमें राजकुमार राव की आवाज सुनाई देती है। इस साल आनंद को 50 साल पूरे हो गए हैं। इस फिल्म में राजेश खन्ना साहब जो आनंद का कैरेक्टर प्ले करते हैं, वो कहते हैं जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और ये बात हमारे जहन में बिजली की तरह गिरी जब एक ऐसे टैलेंटेड एक्टर हमें छोड़कर चले गए, इरफान खान साहब। वीडियो में आगे बोला गया है, इरफान खान जब भी पर्दे पर आते थे हम सबको लगता था कि ये मैं हूँ। एक ऐसा चेहरा जो अपना सा लगता था, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसमें पावर भी थी और प्यार भी। इस वीडियो को देखने के बाद इरफान के बेटे बाबिल रो पड़ते हैं तो राजकुमार भी अपने आंसू नहीं रोक पाते। वहां मौजूद हर सेलिब्रिटी इमोशनल हो जाता है। इसके बाद आयुष्मान कहते हैं, कलाकारों का कभी अतीत नहीं होता, कभी वर्तमान नहीं होता। जब कोई कलाकार जाता है तो उसका हमेशा इस तरह से सम्मान नहीं होता, क्योंकि हर कोई फनकार इरफान नहीं होता। वहीं राजकुमार ये भी कहते हैं कि मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत कुछ सीखा है आपसे और जिंदगी भर सीखते रहेंगे, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि आने वाली बहुत सारी जनरेशन आपके काम को देखकर। थैंक यू। इसके बाद जब बाबिल स्टेज पर अपने पिता का अवार्ड लेने पहुंचते हैं तो राजकुमार उन्हें गले लगाकर संभालते हैं। बाबिल बोलते हैं, मैंने कोई स्पीच तैयार नहीं की है, मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे खुली बाहों से स्वीकार किया और ढेर सारा प्यार दिया। मैं यही कहना चाहता हूं कि हम इस सफर को साथ पूरा करेंगे, हम सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। डैड, मैं आपसे वादा करता हूं। बता दें, इरफान खान की बात करें तो उनका पिछले साल 29 अप्रैल को कैंसर से निधन हो गया था। एक्टर लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उनका इलाज जारी था, लेकिन अंत में एक्टर जिंदगी की वो जंग हार गए और उन्होंने इस दुनिया और बॉलीवुड को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। इरफान खान ने पान सिंह तोमर, पीकू जैसी कई शानदार फिल्मों में काम किया था। वैसे आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।